हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस अपनेला फ्रॉक की कटिंग सीखेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे, इसके बाद हम इसके अम्ब्रेला घेर की कटिंग करेंगे। तो टॉप का पार्ट की कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर कपड़ा अलग से निकाल लिया है। देखिए, चार भाग में मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ। आपको जितनी लंबाई चाहिए ऊपर की पेटी की, उतनी लंबाई आप यहाँ ले लेंगे। हम जो पेटी है उसकी लंबाई 14 या 15 इंच रखते हैं, यानी कमर तक हमें उसकी लंबाई लेनी होती है। तो मुझे यहाँ पेटी की लंबाई 15 इंच चाहिए थी, तो मैंने 16 इंच पर इसकी लंबाई ली है और कपड़े को अलग कर लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ शोल्डर पर निशान लगाया, शोल्डर के लिए मैंने 6 इंच पर निशान लगाया है। अब हम आर्म होल पर निशान लगाएंगे, तो इस तरह सीधे हम आर्म होल पर निशान लगाएंगे। तो आर्म होल के लिए मैंने यहाँ पर 6.5 इंच का निशान लगाया। हम जो भी हमारी कंधी रहेगी उससे 1/2 इंच ज़्यादा हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। यहाँ एक बार हम और नीचे चेक कर लेंगे हमारे शोल्डर के निशान को, और हम इस तरह से हम इन दोनों निशानों को मिला देंगे। कुर्ती में हमारा शोल्डर का मेजरमेंट निकालने के लिए हमने शोल्डर नापेंगे और उसका आधा भाग ले लेंगे, यानी हमारे शोल्डर 12 इंच हैं, तो हम 6 इंच का आधा, 12 इंच का आधा 6 इंच शोल्डर रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आर्म होल की गोलाई दे देंगे हम। गोलाई के लिए मैंने यहाँ 2 इंच पर निशान लगाया है, आर्म होल की गोलाई दी है। यहाँ आर्म होल की गोलाई दे दी है मैंने, ये हमारे बैक पार्ट के आर्म होल की गोलाई है। अब आगे हम जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसमें गोलाई कम देते हैं, जो बैक पार्ट में हमने गोलाई दी है उससे 1/2 इंच कम। देखिए, 1/2 इंच कम यहाँ मैंने निशान लगा लिया 1/2 इंच पर, और इससे अंदर ऐसे गोल करते हुए गोलाई दे देंगे फ्रंट भाग की। जब हम कटिंग करेंगे तो जो बाहर वाला पार्ट है उसे पहले कट करेंगे और अंदर वाले पार्ट को बाद में कट करेंगे। अब इसके बाद मैं यहाँ चेस्ट पर निशान लगा रही हूँ, तो चेस्ट के लिए हमारा चेस्ट का चौथा भाग, तो 9 इंच एक निशान हम 9 इंच पर लगाएंगे। हमारे चेस्ट का चौथा भाग 9 इंच है, 9 इंच पर निशान लगा दिया। उसके बाद हम 36 इंच, तो 36 इंच का हम चौथा भाग लेंगे 9 इंच, एक निशान हम 9 इंच पर लगा लेंगे। इसके बाद हम सिलाई का मार्जिन निकालेंगे, तो सिलाई का मार्जिन यहाँ हम 2 इंच निकालेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन लेंगे। इस तरह से यहाँ सीधा निशान लगा देंगे। इसके बाद ये हमारी लंबाई है, मैंने पहले से इसे कट कर लिया था। हमारी जो पेटी की लंबाई है वह 14 या 15 इंच होती है, तो मुझे यहाँ पेटी की लंबाई 15 इंच रखना है, तो मैंने 15 इंच लिया है और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे जो हमारा सिलाई में दब जाएगा। इसके बाद हमें इसे कट कर लेंगे। पहले हम आर्म होल का बाहर वाला भाग इस तरह से कट कर लेंगे, उसके बाद हम बैक पार्ट बाहर निकाल कर बैक पार्ट को हम साइड में निकाल लेंगे, और फिर हम फ्रंट पार्ट की जो हमने गोलाई दी है बाद में उसे कट कर लेंगे। देखिए, इस तरह से इसे सेट कर कर जो हमने बाद में 1/4 इंच की गोलाई कम करी थी उसे कट कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट भाग रहेगा। हमारी पेटी की जो कटिंग है वो पूरी हो चुकी है। अब हम इसके नीचे अम्ब्रेला घेर की कटिंग करेंगे। अम्ब्रेला घेर के लिए मैंने यहाँ 2 मीटर कपड़ा है ये, इसके पूरे की हम नीचे घेर की कटिंग करेंगे। इस तरह से कपड़े को डबल भाग में लेकर हम उसे ऐसे ट्रेंगल शेप में फोल्ड करेंगे, जिस तरह से हम अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करेंगे। देखिए, इस तरह से ये अब कपड़ा हमारा 4 भाग में हो गया है। इस तरह से अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर जो हमारा ऊपर का भाग है ऐसा ट्रेंगल शेप वाला, वहाँ पर हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर का हम हमारी कमर नाप कर जो भी हमारा मेजरमेंट है उसका चौथा भाग उसमें प्लस 2 करेंगे,
ध्यान रखा है यहाँ हमारी जो कमर का चौथा भाग लेंगे हम उसमें प्लस टू करेंगे और जितना भी आएगा हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। हमें ऊपर थोड़े से बारीक बारीक शल देना है इसीलिए हम यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे। अगर आपको नहीं देना है, प्लेन रखना है आपके जो वेस्ट है उसी के बराबर, तो आप फिर उसका चौथे भाग पर निशान लगा सकते हैं। मैंने यहाँ 9 इंच पर निशान लगाया है। एक तरीका ये है कि आप ऐसे कमर के चौथे भाग पर निशान लगा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जो हमने हमारी पेटी कट करी है उसको ऐसे 4 भाग में फोल्ड कर जो हमारी सिलाई का मेज़रमेंट का हमने निशान लगाया है उसको ऐसे कमर पर सीधे रख दीजिए और यहाँ पर उसकी कमर के नाप से निशान लगा दीजिए। ये दोनों तरीके से हम कटिंग कर सकते हैं। बस उसे फोल्ड कर 4 भाग में इस तरह से कमर के हिस्से को इस पर रख देंगे और निशान लगा लेंगे। यहाँ हमने कमर पर निशान लगा लिया है। इसके बाद हम इसकी लंबाई पर निशान लगाएंगे। अम्ब्रेला कट में सिर्फ 2 ही निशान लगते हैं, एक हम कमर पर लगाते हैं और दूसरा हमें लंबाई पर निशान लगाना होता है। तो इसकी लंबाई पर हम निशान लगाएंगे। लंबाई पर निशान लगाने के लिए इस तरह से टेप को हम जहाँ हमने कमर का निशान लगाया है वहाँ उस टेप को हम रखेंगे और फिर जितनी हमें हमारी स्कर्ट की लंबाई लेनी है उस पर हम निशान लगाते जाएंगे। मैंने यहाँ 30 इंच पर निशान लगाया है तो मेरी जो स्कर्ट की बॉटम की जो लंबाई है 30 और टॉप की जो लंबाई है 15 इंच ये हमारी फुल लंबाई होगी। तो आपको जितना लंबा चाहिए आपकी स्कर्ट उस पर आप इस तरह निशान लगा लेंगे। जहाँ हमने कमर का निशान लगाया है वहीं हमें इंच टेप रखना है और इस तरह से गोलाई में उसको उठाते हुए, देखिए यहाँ पर गोलाई में उसको उठाते हुए इंच टेप को नापते हुए हम पूरे सर्कल में इस तरह निशान लगा लेंगे और निशान हमें गोलाई में लगाना है। इस तरह से आप वेस्ट पर जहाँ हमें कमर का निशान लगाया वहाँ इंच टेप रख कर गोलाई में निशान लगा लीजिए। तरह से हमें सभी निशानों को मिलाते हुए ऐसे सर्कल में मिला लेना है। इसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। ये हमारे बॉटम की कटिंग भी हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पर हमारी जो अम्ब्रेला फ्रॉक है उसकी टॉप और बॉटम दोनों की कटिंग हम कर चुके हैं। अब इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए यहाँ मैंने 4 भाग में इस तरह कपड़े को बिछा लिया है। सबसे पहले हम इसकी लंबाई पर निशान लगाएंगे। हमें जितनी आस्तीन की लंबाई चाहिए उससे 1 इंच ज़्यादा हम यहाँ पर ले लेंगे। मैंने यहाँ 16 इंच पर निशान लगाया है। इसके बाद हम यहाँ पर 2.5 इंच की जो हमारा खुली भाग है जिस तरह हम आस्तीन की कटिंग करते हैं 2.5 इंच का इस तरह निशान लगाकर आस्तीन में गोलाई दे देंगे। जो हमारी खुली भाग है उस तरह हम 2.5 इंच कम करते हैं हमारी आस्तीन की लंबाई में। इस तरह से हमने गोलाई दे दी। अब इसे हम कट कर लेंगे। इससे पहले हम आगे वाले भाग जो हमारी बाजू है उसके आगे वाले भाग को भी निशान लगाएंगे। तो जो आगे हमारा मेजरमेंट है उसको हम नाप लेंगे। जहाँ तक हमारी आस्तीन की लंबाई है उतनी चौड़ाई लेकर उसमें 2 इंच हम प्लस कर लेंगे। तो यहाँ मैं 7.5 इंच रख रही हूँ। हमें इस तरह से तिरछा निशान लगाते हुए कट करना है क्योंकि देखिए यहाँ आस्तीन की कटिंग में हमने कर लिया। इस तरह से हमारे अम्ब्रेला स्कर्ट की कटिंग पूरी हो गई है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।